स्वयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आचार्य ने शिष्य को विचार करने के लिए भेजा है। मीमांस्यमेव, तो शिष्य जो है वह विचार करता है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या बताया। हमारे समझ में कुछ गलती है, क्योंकि आचार्य कह रहे हैं। तो वह एकांत में गया। एकांत एक ऐसी चीज है जहां पर हम अपने साथ रहते हैं, पूरा मन अपने लिए उपलब्ध होता है। जब व्यवहार करते हैं तो हमको दूसरे की ओर ध्यान देना पड़ता है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। लेकिन एकांत में हम पूरा ध्यान अपनी ओर कर सकते हैं, उपलब्ध होते हैं हम अपने लिए। अनडिवाइडेड अटेंशन हम अपनी ओर देते हैं या दे सकते हैं। जिसने थोड़ी पहले मानसिक तैयारी की है वही उसका पूरा लाभ ले पाता है, नहीं तो उसके लिए वो कठिन हो जाता है। हमारे स्वामी जी बता रहे थे कि एकांत में लोगों ने एक रूम बनाई, कक्ष बनाया, कहा कि हम यहां पर ध्यान करेंगे। गंगा जी के बीच में, गंगा जी की दो धार के बीच में उन्होंने झोपड़ी बनवाई। लेकिन स्वामी जी ने कहा एक भी दिन वहां गए नहीं। पैसा था तो पैसे से जो चीज बन सकती थी बन गई। बोले हम लोग ही उस झोपड़ी का उपयोग करते रहे। तो एकांत के लिए कक्ष बना लेना ठीक है, लेकिन वहां रहना अच्छा, और रह भी जाते हैं तो रहकर चिंतन करना ये बड़ी बात होती है। एकांत में चले तो जाते हैं लेकिन क्या करना, विचार का तरीका भी आना चाहिए। तो यहां पर लिखते हैं उपविष्टः समाहितः सन्, अपने चित्त को समाहित किया, एकाग्र किया, और जो पूर्व में वाक्य बोला था आचार्य ने उसी के ऊपर उन्होंने मनन किया, तर्क से विचार किया, युक्ति से समझने का प्रयत्न किया कि विदित से भी अन्य है वो तत्व और अविदित से भी अन्य है, उसका क्या अर्थ है।
तो जब तर्क से विचार किया तो निश्चित प्रमा उनमें बन गई, बोले हम समझ गए। स्वानुभवम कृत्वा आचार्य सकाशम उपगम्य, आचार्य के पास जाके उन्होंने अपने अनुभव को सुनाया। अब वो अनुभव का वाक्य क्या है, तो वो दसवा मंत्र है, इसको पढ़ते हैं। नाहं मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च, नाहं मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। उस शिष्य ने आके अपना अनुभव सुनाया, क्या कहता है वो, कहते नाहम मन्ने सुवे देती, अहम मतलब मैं ऐसा नहीं मानता कि मैंने ब्रह्म को अच्छे से जान लिया, अहम न मन्ने मैं नहीं मानता, क्या कि सुवेद मैंने अच्छी प्रकार से जान लिया ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता। तो नो न वेदयति मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको जानता ही नहीं हूं, अज्ञानी हूं, ऐसा नहीं। वेदो, पहली पंक्ति में आप शब्द देखिए वेदो, जानता हूं, और फिर अंत में लिखा है च, और मैं उसको जानता भी नहीं। च से क्या लेना चाहिए कि जानता भी नहीं। तो पहले वाक्य का अर्थ क्या, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं जानता हूं, नो न वेदेति, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझको कुछ मालूम ही नहीं है, वेद मैं जानता हूं। और फिर धीरे से च लगा दिया, बोले मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं उसको नहीं जानता, तो मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता। दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, यो नस्तद्वेद तद्वेद, वहां ब्रह्मचारी अनेक लोग थे, ब्रह्मचारी लोग, उनकी ओर इशारा करके वो कहता है कि हम सारे शिष्यों में जो ये मेरा वाक्य है, कौन सा वाक्य, नो न वेदेति वेद च, ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं हूं, मैं जानता हूं और जानता नहीं भी हूं, बोले इस तरह से जो जानता है हम सारे शिष्यों में, मैं उसको सर्टिफिकेट देता हूं कि वो ब्रह्मज्ञानी है। अब ये ऐसा मंत्र है, तो इस मंत्र में ने अनुभव क्या सुनाया, बोले मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं, ये मूल चीज है। अब देखो इसको जरा समझते हैं भाष्यकार के भाष्य के द्वारा। एकांत में गया, उसने अनुभव किया और आके सुनाया, क्या सुनाया, कथम इति श्रुणुता, सुनो। वो शिष्य कहता है सुनिए, आचार्य कहते हैं सुनाइए, भाष्य में देखिए, नाहम मन्ने सुवे देती, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं, न एव अहम मन्ने सुवेद ब्रह्म, मैं उस ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूं ऐसा मैं नहीं कहता।
आचार्य कहते हैं नैव तर्हि विदितं त्वया ब्रह्म, इसका मतलब तुम नहीं जानते, तुम खुद ही कह रहे हो कि मैं अच्छी तरह नहीं जानता, इसका मतलब तुम नहीं जानते। तो वो क्या कहता है आचार्य का ये वाक्य है, नैव तर्हि विदितं त्वया ब्रह्म, तेरे द्वारा ब्रह्म को मतलब जाना नहीं गया, तूने ठीक से जाना नहीं है इसलिए तू कह रहा है, मतलब तू अज्ञानी है, स्वयं ही कह रहे हो कि मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छी तरह जानता। तो शिष्य कहता है नो न वेदेति वेद, अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं जानता ही नहीं हूं, जानता हूं वेद, च लगा दिया बाद में, तो भाष्यकार तुरंत लिखते हैं वेद च इति च शब्दात न वेद, दो वाक्य बोल रहा है, मैं जानता हूं और च लगा दिया है, मतलब मैं नहीं भी जानता। तो शिष्य का क्या वाक्य है, मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता। आचार्य ने जब ये वाक्य सुना तो बोले सब ठीक ठाक है घर में, क्या खा के आए हो, ऐसे गड़बड़ वाक्य बोल रहे हो, एकांत में गए थे कुछ गड़बड़ चीज खा ली लगता है, उसका दिमाग पर असर हो गया है, जाते समय तो ठीक ठाक थे अब ये क्या बोल रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं और नहीं भी जानता। अब ये वाक्य सुन के कोई भी व्यक्ति हंसेगा ना, बोले ये क्या है। तो यहां आचार्य थोड़ा मुस्कुरा के कहते हैं अरे भैया ये क्या है, ननु विप्रतिषिद्धम नाहम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। ननु, ये ननु शब्द वास्तव में पूर्व पक्षी जनरली लेता है, बोलता है कोई प्रश्न होता है तो, लेकिन ये आचार्य बोल रहे हैं, अरे बोले तुम्हारा जो ज्ञान है विप्रतिषिद्धम, विप्रतिषिद्धम का मतलब है परस्पर विरोधी है, अपने ही बात का तुम खंडन कर रहे हो। कोई कहे दिन भी है, बोले नहीं नहीं रात भी है, बोले नहीं दिन भी है, अरे भाई एक आप बताइए ना दिन है कि रात है, निश्चयात्मक ज्ञान होता है ना। तो विप्रतिषिद्धम नाहम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद, तुम कह रहे हो कि अच्छी तरह से नहीं जानते हो, और फिर ऐसा भी कहते हो नहीं 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 ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं, जानता हूं, तो ठीक है जानते हो तो वही स्टिक रहो, बोले नहीं जानता हूं। तो अपने ही वाक्य को एक श्वास में तुम क्या कर रहे हो, काट रहे हो। वेद च, जानते भी हो नहीं भी जानते। आचार्य आगे और कहते हैं यदि न मन्यसे सुवेदयति, यदि तुम अच्छे से नहीं जानते, यदि तुम खुद ही मान रहे हो ना कि तुम अच्छे से नहीं जानते, यदि न मन्यसे सुवेदयति तो कथम मन्यसि वेद, मन्यसे वेद चैति, तुम खुद ही कह रहे हो मैं अच्छी तरह से नहीं जानता, तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि मैं जानता हूं, सीधा बोलो ना मैं नहीं जानता, हियर एंड्स द स्टोरी। फिर से इस वाक्य को पढ़िए, यदि न मन्य से सुवेदयति थी कथम मन्य से वेद,
पहला शुरुआत ही तुम कर रहे हो, मैं अच्छी तरह, मैं ये नहीं कहता मैं अच्छी तरह जानता हूं, तो फुल स्टॉप। अच्छा ये तो नहीं, मैं जानता हूं। अथ मन्यसे वेद वा इति कथम न मन्यसे सुवेदेति। यदि तुम कहते हो कि तुम जानते हो तो फिर बोलो ना कि जानते हो। शुरुआत करते हो मैं अच्छी तरह नहीं जानता हूं, फिर कहते हो नहीं मैं जानता हूं, फिर बाद में फिर कहते मैं नहीं जानता हूं, ये सब क्या है? और अगली पंक्ति, एकम वस्तु ये न ज्ञायते तेनैव तदेव वस्तु न सुज्ञायते। एक ही वस्तु जिसके द्वारा जानी जाती है, फिर वही वस्तु उसके द्वारा नहीं जानी जाती, ये सब विरोधी ज्ञान। बोले ये तभी हो सकता है जब इति विप्रतिषिद्धम संशय विपर्ययो वर्जयित्वा। मतलब संशय और विपर्यय के बिना तो इस तरह से विरोधी वाक्य हो नहीं सकता। उल्टा कर दीजिए, मतलब जिसको डाउट होता है वही ये वाक्य बोलेगा, जानता भी हूं नहीं भी जानता। या तो उसको संशय होगा या विपर्यय होगा, विपरीत ज्ञान होगा, मतलब पक्का सही ज्ञान उसके पास नहीं होगा। व्यवहार में भी हम बोलते हैं, यदि कोई पूछता है कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं क्या, तो कई बार हमारा ऐसा वाक्य संशयास्पद होता है, हाँ हाँ जानता हूं लेकिन नहीं जानता हूं। अब सामने वाला इससे क्या समझेगा कि इसको अपने ज्ञान पे ही भरोसा नहीं है। कई बार जब रास्ता पूछते हैं ना तो ऐसे ही होता है, जानते हो वो रास्ता, वो मंदिर में जाना है उसको, हाँ हाँ वो बताने लगता है, लेकिन बीच में उसको डाउट आता है, नहीं नहीं शायद ऐसा नहीं है, वो उधर है इधर है। तो जब हम अपने ही वाक्य का खंडन कर देते हैं, विरोध करते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि इसको ज्ञान सही नहीं है। बिना संशय और विपर्यय के इस तरह से के वाक्य बोले नहीं जाते। तो आचार्य क्या कह रहा है, बोले तुमको अपने ही ज्ञान पे लगता है भरोसा नहीं है, शायद तुम्हारे बुद्धि के दो भाग हो गए, एक भाग कह रहा है जानते हो और दूसरा भाग कह रहा है नहीं जानते। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मेक अप योर माइंड, आप अपना मन ठीक से बनाइए, ठीक बताइए जानते हो क्या। अर्जुन भी भगवान को ऐसा ही बोल देता है गीता में, यस्यात् निश्चितम् तदेकम् वद निश्चित येन श्रेयोहम् आत्मा तदेकम् वद निश्चित्य। कभी ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं, कभी कर्म की स्तुति कर रहे हैं, बोले ये क्या है, आप हमारी बुद्धि में निश्चयात्मक ज्ञान नहीं पैदा कर रहे हैं, आपके उपदेश हमको और भ्रमित कर रहे हैं। तो जब आप एक चीज पर स्टैंड नहीं करते हैं ना, स्थिर नहीं होते, तो सामने वाला बिल्कुल यही आपके ऊपर डाउट करता है कि मुझको डाउट है कि इसको ज्ञान है कि नहीं, आई एम डाउटफुल अबाउट हिज नॉलेज। तो कहते हैं एक ही वस्तु एक ही बार में जानी भी जाए और नहीं भी जानी जाए, ये तो तभी होगा जब उसकी बुद्धि में क्लियर नहीं हो, संशय विपर्य जरूर होगा। और आगे लिखते हैं, न च ब्रह्म संशयितत्वेन ज्ञेयम्।
बोले ब्रह्म ऐसा विषय नहीं है जो कि संशय सहित जिसका ज्ञान हो। ब्रह्म का ज्ञान कैसा होना चाहिए? पक्का पक्का, सीधा सीधा। संशय ग्रस्त ब्रह्म का ज्ञान ज्ञान कहलाएगा क्या? और ब्रह्म की बात छोड़िए, किसी भी चीज के बारे में संशयी तत्वेन यदि वो ज्ञान होगा तो देट विल नॉट बी ज्ञान। ब्रह्म क्या है? बोले बताता हूं, ब्रह्म ऐसा है। बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। अब बोले बस यही ज्ञान है। तो ऐसा संशयग्रस्त विषय नहीं है ब्रह्म। और न च ब्रह्म संशयी तत्वेन ज्ञेयम् विपरीतत्वेन वा इति नियंतुं शक्य। न तो उसका विपरीत ज्ञान को आप सही मानोगे, मतलब ब्रह्म है कुछ और आप कुछ और जान रहे हो, तो ब्रह्म का एक लक्षण है जो उसको जानता है वही जानता है। अच्छा, और आगे का वाक्य बहुत ही अच्छा है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। संशय विपर्ययो ही सर्वत्र अनर्थ करत्वेनैव प्रसिद्धौ। संशय विपर्ययो ही सर्वत्र अनर्थ करत्वेन एव प्रसिद्धौ, मतलब सभी जगह संसार में, समाज में, घर में, संस्था में संशय और विपर्यय वाला जो ज्ञान है वो अनर्थकारी होता है। घर से शुरुआत करो। घर में पूछ रहे हैं पिताजी, जाओगे क्या बाहर? जाओगे? बोले हाँ जाता हूं। बोले नहीं 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 जाऊंगा। फिर कहता है जाता हूं। पिताजी क्या समझेंगे? संस्था में करोगे क्या? हाँ हाँ करूंगा एक काम। फिर एक क्षण के बाद नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। पांच मिनट के बाद नहीं नहीं मैं तैयार हूं। अरे कुछ भी काम नहीं होगा इस अनर्थकारी। ये संशय जब होता है ना तो कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती थी। आप जा रहे हो रास्ते में गाड़ी से और अचानक डाउट आ जाए कि मालूम नहीं मैं सही जा रहा हूं कि ये दिशा सही है क्या? अरे उन्होंने तो बताया था वहां पे पेड़ दिखेगा, पेड़ तो दिख ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा था एक दुकान आएगी, दुकान तो दिख नहीं रही। अब उसको हो गई शंका, अब वो एक्सेलरेटर दबाएगा कि ब्रेक लगाएगा? बोले रुको रुको जरा। संशय जो है वो प्रवृत्ति का क्या है, तो प्रवृत्ति में बाधक है। भोजन करने जा रहे हो, एकदम कोई आके अरे रुको रुको, उसमें कुछ तो मिला हुआ है, कुछ गिर गया था, अब हो गया, अब नहीं खाएगा। तो अनर्थक चीजें हैं ये संशय इत्यादि। और गीता में बिल्कुल लिखा है संशयात्मा विनश्यति, यहां तक लिख दिया। आप जरा कल्पना कीजिए, हर क्षण आप डाउट ही कीजिए, सामने वाले पर डाउट कीजिए, शंका कीजिए, तो ना आप उससे कुछ व्यवहार कर पाएंगे, ना कोई संबंध बनाएंगे, ना बोल पाएंगे। बोले भैया इससे दूरी रहो। तो यहां पर भी ये जो वाक्य है संशयग्रस्त वाक्य दिखता है, जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं। तो आचार्य जरा उसको फोर्स करके कह रहे हैं, पर यदि मन्य से सुबह ठीक से जानते हो तो बोलो जानते हो, नहीं जानते हो तो बोलो नहीं जानते। मैं कोई तुमको दंड नहीं दूंगा, ये नहीं कहूंगा कि इतने दिन पढ़ाया और देखो जानते ही नहीं हो। जैसा हो वैसा स्पष्ट बोलो। जैसे भगवान के सामने भी है ना, भगवान कहते हैं आप जैसे हो वैसे आ जाओ।
आचार्य जो यहां बड़ा अच्छा वाक्य भाष्यकार लिखते हैं, एवं आचार्येण विचाल्यमानोपि शिष्यो न विचचाल। आचार्य ने उसको विचलित किया, उसके बुद्धि को हिलाया, उसको जानबूझ के ऐसा बोला कि भाई एक बोलो, ये उसकी परीक्षा ले रहे हैं। बिल्कुल विचलित नहीं हुआ वो, पिछली बार तो विचलित हो गया था। वो अड़ा रहा, बोले मेरा ज्ञान ऐसा ही है, आप चाहे उसको जो बोलिए, हम तो यही कहेंगे कि हम उसको जानते भी है और नहीं भी जानते। देखो आचार्य विचलित करते हैं, मतलब उससे उसको फोर्स करते हैं कि हो सकता है ये अपना स्टेटमेंट क्या है बदल ले। एक वाक्य बोल दे हाँ मैं जानता हूं, और या बोल दे कि नहीं जानता हूं, लेकिन वो हिला नहीं, उसने कहा मेरा यही है। तो बोले उसका इतना ये कॉन्फिडेंस क्यों है, अपने ऐसे विरोधी वाक्य बोलने में उसको कोई डर नहीं है। आचार्य को कह रहा है आप चाहे जो बोले, हमारी तो यही प्रमाण है। अच्छा इसके पीछे आधार क्या है ये बोलने का, तो देखो यहां भाष्यकार उसको बहुत बढ़िया से क्लियर करते हैं, ये कैसा क्यों कह रहा है। अन्य देव तद विदितार अथो अविदितार अधि इति आचार्य उक्त। भले उसने पीछे सुना था वाक्य कि वह तत्व विदित से अन्य है, ज्ञेय से अन्य है, मतलब वो बुद्धि का विषय नहीं बनता, और उसने ये भी सुना था कि इसका मतलब है वो पूरी तरह अविदित है, अज्ञात है, मतलब कभी किसी को उसका ज्ञान ही नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। अविदितात अधि, अधि शब्द का अर्थ वहां दिखा था अन्य, अविदित से वो अन्य है, अविदित नहीं है। तो फिर विदित बोले हो, बोले विदित भी नहीं है। तो ये जो वाक्य आचार्य ने बोला था ना, और यह वाक्य कैसा था, आगम वाक्य, आपको याद हो भाष्यकार ने शब्द दिया था आगम, परंपरा से आचार्यों ने ऐसा ही सुनाया है ब्रह्म के बारे में। यह लिखते हैं इति आचार्य उक्त आगम संप्रदाय बलात्, उसके वाक्य में ये संप्रदाय का बल है। बोले हमने सुना है ना आचार्य के मुख से, बस तो उसी आधार पर मैं बोल रहा हूं कि मैं जानता भी हूं नहीं भी जानता, आचार्य का बल है, गुरु परंपरा का बल है। और फिर आगे लिखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति मतलब तर्क, मैंने युक्ति भी की है, तर्क से भी ये मुझको समझ में आया कि ब्रह्म को ऐसा ही बोला जा सकता है। बिल्कुल ठीक है जो आचार्य ने कहा ऐसा ही है, तो तर्क, क्योंकि विदित बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अविदित बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उपपत्ति। फिर अनुभव बलाच, तीन तीन बल है ध्यान रखना, आचार्य का बल, तर्क का बल और अनुभव का बल। आचार्य के बल को आप कह सकते हैं श्रुति बल, पिछले पीछे शब्द आया था श्रुतितः तर्कतः अनुभवतः, ये तीनों मिलना चाहिए तब एक निष्पत्ति सही है या गलत है हम बोल सकते हैं। तीनों में से एक का भी विरोध हो जाए तो फिर सिद्धांत में कुछ ना कुछ गड़बड़ है,
अग्नि उष्ण है, तर्क से भी सिद्ध हो सकता है, अनुभव से भी सिद्ध है, और शास्त्रों शास्त्र की कोई बात ही नहीं, तो प्रत्यक्ष ही है। कई चीजें ऐसी है जो तर्क से सिद्ध हो जाती है लेकिन अनुभव से अनुभव के विरुद्ध होती है। कल आपको उदाहरण हमने दिया था चंद्र और अमेरिका का। एक ने कहा कि अग्नि ठंडी होती है, देखो एक और उदाहरण, अग्नि ठंडी होती है। बोले क्या है, हेतु क्या है इसमें? तो बोले देखो अग्नि पंच महाभूतों में से एक महाभूत है, ठीक है, और एक महाभूत आपको याद होगा पानी भी एक महाभूत है, पानी जल, हाँ बोले है, और जल कैसा होता है, ठंडा होता है, तो जल एक महाभूत है वो ठंडा होता है, अग्नि भी एक महाभूत है इसलिए अग्नि भी ठंडी होती है, इति सिद्धम। हेतु क्या दिया, महाभूतत्वात्, महाभूत होने के कारण, यथा दृष्टांत क्या दिया, पानी, इसको कहते हैं तर्काभास, युक्त्याभास, युक्ति नहीं होती, युक्ति का आभास होता है, तो अनुभव है नहीं, ठीक है। अच्छा पानी ठंडा, अग्नि ठंडी है, हाँ बोले हमने सिद्ध किया ना। दूसरे ने कहा ये लो अग्नि, जरा इसको स्पर्श करो, हाँ स्पर्श करेगा तब मालूम पड़ेगा, तो नहीं नहीं अभी तो तर्क से सिद्ध किया ना आपने। कई बार अनुभव कुछ होता है और सत्य बिल्कुल उसके विपरीत होता है। अब सबको, हम सबको अनुभव है कि मैं शरीर हूं, इसको नहीं अनुभव है, लेकिन तर्क पे ये खरा उतरता नहीं है, तो इसलिए तीनों जोड़ना चाहिए। तो यहां लिख देते हैं, संप्रदाय बल, उपपत्ति का बल और अनुभव का बल, तीनों बल से युक्त होकर, यहां बड़ा अच्छा भाष्यकार नाटकीय वर्णन करते हैं, अनुभव बलाच जगर्ज च ब्रह्म विद्यायाम दृढ़ निश्चयताम दर्शयन आत्मनः। जगर्ज गर्जना करता है, गर्जना करता है, उसका मतलब भाष्यकार कहते हैं ब्रह्म विद्या के प्रति अपने निश्चय को दृढ़ता से रखता है कि आत्मा विदित और अविदित से अन्य, जो आपने बोला था हमने उसी को बोल दिया कि मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता, बोले बस यही अनुभव है। और देखो ये गर्जना कर रहा है, वो गर्जना मतलब जोर जोर से चिल्ला रहा है ये नहीं, गर्जना शब्द का अर्थ होता है कॉन्फिडेंस, मतलब उसका इनडायरेक्ट मीनिंग, लक्षार्थ, जिसको विश्वास ही नहीं होगा वो धीरे धीरे बोलेगा, आधा अधूरा बोलेगा, लेकिन जोर से क्लियर बोल रहा है मतलब क्या है, उसको अपने ज्ञान के प्रति पक्का भरोसा है, अरे जो मैं कह रहा हूं वही है ऐसा। तो दृढ़ निश्चयताम दर्शन आत्मा, उसने अपनी दृढ़ता से अपने वाक्य को रखा, और कैसे रखा उसने वाक्य को सब विद्यार्थियों के सामने, तो दूसरी पंक्ति कथम इति उच्चते, तो यो यो नस्तद्वेद तद्वेद नून वेदेति वेद च, इसके ऊपर लिखते हैं, यो यो के ऊपर भाष्य लिखते हैं, यह कश्चित अस्माकं सब्रह्मचारिणां मध्ये, यह मतलब जो कोई भी इन सारे ब्रह्मचारियों के बीच में, कोई भी ब्रह्मचारी, मैं भेद नहीं कर रहा हूं, बोले कोई भी ब्रह्मचारी, ये सब जो बैठे हैं ब्रह्मचारी इनमें, तन मदुक्तम वचनम, मेरे कहे हुए वचन का समर्थन कर रहा है या जानता है, तत्वतः वेद, जो मैंने कहा उसको जो समझता है, स तद ब्रह्म वेद,
वह उस ब्रह्म को जानता है। मतलब मेरी बात का जो अनुमोदन कर रहा है वो कहता है यस यस दिस ब्रह्मचारी सही करेक्ट, सही बोल रहा है। ऐसा यदि कोई इनमें से बोल रहा है तो बोले वो जानता है। अच्छा मेरा वचन क्या है, कौन से मेरे वचन का समर्थन कर रहे हैं, कर रहा है वो। किम पुनः तद वचनम इति आह नो न वेदे इति वेद च। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं और नहीं भी जानता। ये जो मेरा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को यदि किसी ने पकड़ लिया और कहने लगा हाँ हाँ ये वाक्य बिल्कुल सही है, ये वाक्य संशयग्रस्त नहीं है, अस्पष्ट नहीं है, ब्रह्म के बारे में ऐसा ही बोला जाता है, तो यदि किसी ब्रह्मचारी ने मेरे वाक्य का समर्थन कर दिया तो मैं उसको सर्टिफिकेट दे दूंगा यस यू नो सतत ब्रह्म। तो देखो अब यहां दो तीन बातें, एक तो उसका खुद का कॉन्फिडेंस है, जो कह रहा है वो ठीक है। आचार्य ने विचलित करने का प्रयत्न किया, बोले नहीं नहीं ये ठीक नहीं, एक बोलो, बोले नहीं हम तो ऐसे ही बोले। और उसके ऊपर तुर्रा ये है कि और भी ब्रह्मचारी यदि हमारे बात को समर्थन कर रहा है तो भी वो भी सही है, और जो विरोध कर रहा है बोले उसको समझ में नहीं आया। मतलब मैं तो सही हूं और यदि मेरे बात का समर्थन कर रहे हैं तो वो सब लोग भी सही है। ले अच्छा बोले ऐसा ये क्यों वो कह रहा है, तो देखिए उसने उस वाक्य के ऊपर अच्छे से चिंतन किया है। अब यह भाष्यकार बहुत ही सुंदर वाक्य लिखते हैं, यद एव अन्यदेव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि इति उक्तम। जो जो पीछे बोला था कि विदित और अविदित से अन्य है, वह वस्तु कैसी है, वस्तु अनुमान अनुभवाभ्याम संयोज्य निश्चितम। उसने उस वाक्य को अनुमान और अनुभव, अनुमान का यहां अर्थ है तर्क, अनुमान मतलब अंदाज नहीं, अनुमान मतलब युक्ति, युक्ति और अनुभव दोनों को मिला के अपना वाक्य उसने रखा। अनुमान अनुभवाभ्याम संयोज्य निश्चितम वाक्यांतरेण, ये अंडरलाइन करने वाक्यांतरेण मतलब जो आज आगम वाक्य था उसी आगम वाक्य को अपने शब्द उसने दिए। ध्यान से सुनना बहुत महत्वपूर्ण, वाक्यांतर अंतर मतलब होता है दूसरा, जो आगम वाक्य था जो आचार्य ने बोला था उसको उसने अपने शब्दों में गढ़ दिया। विदित और अविदित से अन्य है मतलब उसको जाना भी जाता है और नहीं भी जाना जाता। अब देखो ये उसके अपने शब्द है, अपना वाक्य है। देखिए ऐसा है, जब हमको मैसेज स्पष्ट हो, अर्थ क्लियर हो, तो हम अपनी भाषा में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, है कि नहीं। जब अर्थ क्लियर नहीं है तो जैसा कि तैसा वाक्य रट लेते हैं और बोल देते हैं। ये बच्चों के साथ बड़ा घटता है, घटित होता है। कोई भाषण प्रतियोगिता होती है, भाषण पूरा रट लेता है, गांधी जी का जन्म यहां हुआ, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, फिर वो जेल गए, फिर ये किया, उन्होंने अनशन किया, सत्याग्रह किया, अब वो तो बोल रहा है। अच्छा बीच में अटक गया, एक वाक्य भूल गया, अब एक वाक्य भूल गया तो बार बार वो फिर से पहले से शुरू करता है, दो बार तीन। यदि वो धड़ 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 बोलते जाता है, यदि आ गया वो वाक्य उस कंटिन्यूटी में तो हो गया, नहीं तो वही सुई अटक जाती।
अब ऐसा क्यों होता है उसको अर्थ क्लियर नहीं, लेकिन उसको एक निबंध रटा दिया है, वाक्य के वाक्य रट लेता है। लेकिन यदि उसके पूरे अर्थ को उसने समझा हो तो अपने भाषा में, अपने वाक्य में, अपने शब्द में रख सकता है। कई बार हम भाषण तैयार करके जाते हैं, इसके बाद ये बोलेंगे, इसके बाद ये बोलेंगे, और एक शब्द भूल गए, डर गए या कुछ हो गया, अरे बाबा ये भी सुनने के लिए आए हैं, अब उनको देख के डर गए, अब वो वाक्य हो गया गायब। फिर वही भाषण बंद करना पड़ता, फिर घड़ी नहीं देखनी पड़ती कि अब ये कब बंद करेगा, अपने आप 10 मिनट पहले ही। तो वाक्यांतरण का अर्थ बड़ा अच्छा है, उसने अभिप्राय समझ लिया है कि ब्रह्म न तो जाना जा सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई अज्ञात वस्तु की तरह हमेशा ही अननोन है। इसलिए उसने कहा मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं। बस वो उसी का देखिए अपनी भाषा में ट्रांसलेशन है, वाक्यांतरेण नो न वेदेति वेदच इति उवाच, उसने अपने वाक्य में कहा और आचार्य को समझा, आचार्य की ओर उन्मुख होकर उसने बोला। तो आचार्य बोल रहे थे, हाँ बोलो बोलो तुमने क्या अनुभव किया, तो बोले ऐसा हमने बोला। क्या लिखते हैं, आचार्य बुद्धि संवादार्थम, आचार्य को समझाने के लिए कि हमारी क्या समझ है, आचार्य को बताने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे गुरु समझ जाएंगे कि हम जो बोल रहे हैं वो उसका भाव क्या है। तो आचार्य को अपना अनुभव उसने सुनाया। अच्छा दूसरा, ऐसा वाक्य उसने क्यों बोला, तो अगला वाक्य बड़ा अच्छा है, मंद बुद्धि ग्रहण व्यपोहार्थम च। अब उसी क्लास में मंद बुद्धि लोग भी बैठे हुए हैं ना, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि वाले लोग, लोगों की बुद्धि गलत ग्रहण न कर ले, ग्रहण व्यपोहार्थम मंद बुद्धि, मतलब मंद बुद्धि वाले लोग ब्रह्म को कहीं गेय न मान ले या कहीं बिल्कुल अज्ञात न मान ले। ये मंद बुद्धि वाले लोग ब्रह्म को क्या बना देते हैं, या तो बुद्धि का विषय बना देते हैं और बोलते हैं हमने जान लिया जान लिया, या फिर वो क्या बोलते हैं, अरे हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो तो अज्ञात ही है, अननोन है। तो मंद बुद्धि वाले लोग इन दो कैटेगरी में से ब्रह्म को बनाएंगे, या तो विदित बना देंगे या अविदित, गेय बना देंगे या पूरी तरह से अज्ञात। कहीं ये मंद बुद्धि वाले लोग उस ब्रह्म को ऐसा न समझ ले, इसलिए वो कहता है कि न तो हम जानते हैं, न तो हम ऐसा कहें कि हम नहीं जानते। और अपने आप को देखिए तो ऐसा ही है, अपना आपा है उसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम जानते हैं, जैसे पेड़ को जानते हैं, बिल्डिंग को जानते हैं, घट पट को जानते हैं, ऐसे क्या अपने आप को जानते हैं क्या, नो। इसलिए वो कहता है मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छी तरह जानता, पीछे आपने देखा था उसमें नाम रूप जाति क्रिया संबंध ये कुछ न होने के कारण उसमें गेय तो है ही नहीं, कोई आलंबन ही नहीं बनता। इसलिए यदि कोई पूछता है हाँ आप अपना परिचय बताइए, अपना नाम रूप गुण क्रिया, बोले नहीं जानते, ओ नहीं जानते मतलब आप अज्ञानी हो, बोले नहीं नहीं सब लोग अपने अस्तित्व को जानते हैं। इसलिए ये ब्रह्म का ज्ञान तो ऐसा ही होगा। तो शिष्य ने जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, और यहां पे
आचार्य ने उसको वापस नहीं भेजा, बोले जाओ जाओ अभी तुम्हारा डाउटफुल है, विरोधी तुम बोल रहे हो ना, जाओ। आचार्य बहुत खुश हो गए, बोले वाह शाबाश बेटा, बढ़िया पचा लिया तुमने, तुमने जैसा श्रुति ने बताया था एग्जैक्टली वैसा ही समझा है। तथा च गर्जितम उपपन्नम भवति यो नस्तद्वेद इति। बोले ये जो गर्जना है ये गर्जना उचित ही है उसकी, आचार्य भानु बोल रहे, बोले बिल्कुल सही। थोड़ा हमने हिला के देखा कि देखिए आप इसमें से एक स्टेटमेंट को वापस ले लेंगे शायद, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारी प्रमा एकदम दृढ़ है, सही है। तो इस तरह यहां पर देखो बड़े नाटकीय ढंग से श्रुति ने एक संवाद प्रस्तुत किया, एक आचार्य है फिर एक शिष्य है, शिष्य ने प्रश्न किया है फिर आचार्य ने उत्तर दिया है, सब एक एक योजना बनाइए संवाद, मानो कि कोई एक नाटक चल रहा हो, जैसे दृश्य होता है। अब अगले यहां तक तो ये संवाद की बात हो गई, अब आगे श्रुति अपने मुख से इसी बात को रखती है। अब आगे संवाद नहीं है, संवाद पूरा हो गया, अब श्रुति अपना मत अपनी मुहर लगा देती है इसके ऊपर, जो ये शिष्य कह रहा है ना बिल्कुल ठीक है। इस मंत्र को हम पढ़ लेते हैं, कल देखेंगे। यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेदसः, अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम अविजानतां। कल ही देखेंगे इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।